अस्सलाम वालेकुम, दुनिया न्यूज के साथ मैं हूं सलमान हसन। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कराची के बल्दिया इत्तेहाद टाउन में फायरिंग से एक शख्स जहां बहाक, मंगूपीर से तशद्दुद ज़दा लाश मिली है। सुरजानी टाउन से करदम तंजीम के 8 दहशतगर्द गिरफ्तार। कराची समेत सिंध भर में आज रात से 1 माह के लिए मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई। शिमाली वजीरिस्तान में 13 माह की बच्ची पोलियो वायरस से मुतासिर। पिशावर में सिक्योरिटी खदशात के बायस इंसदादे पोलियो मुहिम 1 हफ्ते तक मुलतवी। शहबाज शरीफ का रहीम यार खान में यूनिवर्सिटी और कैडेट कॉलेज बनाने का ऐलान। कहते हैं परवेज मुशर्रफ का मामला अदालत में है, इस पर बात नहीं करेंगे। वजीर रेलवे साद रफीक कहते हैं कि रेलवे सियासी अखाड़ा बना हुआ था, महकमे की बहाली के लिए मौसर इकदाम किए, करप्ट अफसरों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया। गुजरांवाला में खुर्रम दस्तगीर का हवाई फायरिंग से इस्तकबाल करने वाला एक मुलजिम अदालत में पेश कर दिया गया। और भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स डबल्स का फाइनल हार गई।